शेष राशि पार्टनरशिप में बदलाव हो सकता है। दोपहर तक सरदर्द बना रहेगा, अपने भाग्य पर आप भरोसा रखें। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, आज भगवान भैरव के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। वृषभ राशि, मन की घबराहट खत्म होगी, अपने घर की उत्तर दिशा को साफ रखें, अपनी बात पर डटे रहें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, आज मीठे चावल का दान जरूर करें। मिथुन राशि, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करें। शुभ रंग है हरा, आज अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन बिल्कुल ना करें, अपनी माता की बात को अनसुना ना करें, लंबी यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए लाल, आज पीली मिठाई का दान करें। सिंह राशि, प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, यात्रा का योग बनेगा, मन में परेशानी बनी रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए मरून, आज मीठे दही का दान जरूर करें। कन्या राशि, मित्रों के साथ कहीं ज्यादा दूर घूमने ना जाएं, संपत्ति के वाद विवाद खत्म होंगे, अपने घर पर समय से पहुंचे। शुभ रंग है आसमानी, आज देवी गायत्री के महामंत्र का जाप जरूर करें। तुला राशि, जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा, जरूरी कार्य को टालिएगा नहीं, नौकरी में तरक्की का योग है। शुभ रंग है गुलाबी, आज लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक परेशानी पहले से बढ़ सकती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए, जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद करें। शुभ रंग है जामुनी, आज श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करना है। धनु राशि, व्यापारी कोई आज नया समझौता ना करें, महिलाएं अपना कीमती सामान संभाल कर रखें, धन निवेश ना करें। शुभ रंग है सुनहरी, आज रोली का तिलक अपने माथे और कंठ पर अवश्य करें। मकर राशि, लोहे के व्यापार से लाभ होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, फल सब्जियों का दान करें। शुभ रंग है आसमानी, आज सफेद मिठाई का दान आपको जरूर करना है। कुंभ राशि, व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें, किसी से उलझिएगा नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनों की सलाह लीजिए, आपका काम बनेगा। शुभ रंग है आसमानी, आज देवी लक्ष्मी को 5 फल जरूर अर्पित करें। मीन राशि, मित्रों से अकारण विवाद हो सकता है, तो इससे थोड़ा बचने का प्रयास करें, चोट लगने का योग टलेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है मरून, आज पीले मीठे चावल का दान जरूर करें। एक लाल चौकोर रुमाल में गुलाब के 5 साबुत फूल रखिए, लाल चंदन का एक शुद्ध टुकड़ा रखिए, थोड़ा सा सिंदूर भी रख दीजिए। अब अपनी कुल देवी का, कुल देवता का ध्यान करिए, देवी अहोई का ध्यान करिए, और अब इस रुमाल को गांठ लगाकर फोल्ड करके आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक अधिक होगी और कहीं ना कहीं लाभ जरूर होता रहेगा। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए या अपनी नौकरी व्यापार के लिए घर से निकलें, तो निकलने से पहले लाल चंदन का तिलक देवी गायत्री को करिए और उसी फिंगर से, उसी उंगली से आप अपने माथे पर भी तिलक कर लीजिएगा। यह छोटा सा उपाय अपना के देखिए, आपकी आजीविका में 100% लाभ दिखाई देगा। मित्रों, अगर आप गैस्ट्रिक की समस्या से परेशान हैं, पाचन तंत्र आपका गड़बड़ है, तो रात्रि में पीने वाले पानी में 1 गिलास पानी आप लीजिएगा, साबुत धनिया उसमें 1 चम्मच भिगोकर रख दीजिए, सुबह उठकर खाली पेट आप इसका सेवन करिए, गैस्ट्रिक की समस्या भी कम होगी और पाचन तंत्र कहीं ना कहीं मजबूत होगा। अपने हर दुख, परेशानी, संकट और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आप अपने घर में 3 दीपक बनाइएगा, शुद्ध घी के 3 दीपक तैयार करिए। पहला दीपक आप शिवालय में प्रज्वलित करिए,
दूसरा दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाइए और तीसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाइए। आज के दिन इस उपाय को करने से, तीन दीपक इस तरीके से जलाने से, आप हर दुख परेशानी संकट से बचे रहेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होगी।